हाथरस का हृदय विदारक मंजर देखकर यकीन मानिए आपका दिल गमजदा हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी, मन ही मन आप खुद से ये सवाल करेंगे कि आखिर 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई कैसे। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन भगदड़ कांड से जुड़ा जो खुलासा हुआ है वो सुनेंगे तो आपका भी माथा चकरा जाएगा, सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे आप। दावा किया गया है कि सत्संग के आयोजन में करीब 2.5 लाख लोग जुटे, जबकि आयोजकों ने 80,000 लोगों के आने की इजाजत ली थी। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी बताया कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग कार्यक्रम में इकट्ठा हो गए। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है, उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए, और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। इतना ही नहीं, हादसे के बाद आयोजकों पर सबूत मिटाने की कोशिश का भी आरोप है। भगदड़ में घायल हुए लोगों की चप्पलों को पास के खेत में सबूत छुपाने की इरादे से फेंका गया। इसके साथ ही आयोजकों की ओर से ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। सत्संग में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। बारिश से बचने के लिए नीले रंग का शामियाना लगाया गया था। इसे साफ है कि आयोजकों की तरफ से इसमें घोर लापरवाही बरती गई है, जिसका अंदाजा शायद पुलिस प्रशासन को भी नहीं रहा होगा, लेकिन 80,000 लोग भी बहुत होते हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लाजमी हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि इस तरह के आयोजन करने वाले और इन आयोजनों की इजाजत देने वाले क्या कदम उठाते हैं, जिससे भविष्य में हाथरस जैसे बड़े हादसे दोबारा न हो।